हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स का पार्ट 3। तो बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पढ़ लिया था इस चैप्टर को, और जितना रिमेनिंग है आज हम इस चैप्टर में पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और उन मिक्सचर्स को हटाने के लिए हम क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं। तो कुछ टेक्निक बच्चों क्या थी? विनोइंग, हैंड पिकिंग, हमने इसके बारे में पढ़ा। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोज नहीं देखी है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिए। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं हम पार्ट 3। तो बच्चों, इससे पहले था कि जो सेपरेशन है वो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का सेपरेशन के लिए क्या क्या टेक्निक हम यूज करते हैं, वो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। आज हम पार्ट 3 में यहां से स्टार्ट करेंगे, सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स। तो चैप्टर शुरू करते हैं। सच मिक्सचर्स कैन बी होमोजेनस एज सुगर सॉल्यूशन और हेटरोजेनस अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मिक्सचर। तो बच्चों, जो सेपरेशन होता है यानी कि जो सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर है उसको हटाने के लिए, उसमें से उस लिक्विड में से सॉलिड को अलग करने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं? एक तो होता है होमोजेनस। होमोजेनस में क्या होता है? जिसमें कि जो सॉलिड है वो डिजॉल्व हो जाता है लिक्विड में। और हेटरोजेनस मिक्सचर यानी कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है, जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है। तो बच्चों, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस हम यूज करते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? द सेटलिंग डाउन ऑफ सस्पेंडेड इनसॉल्युबल हैवी सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जब क्या होता है, जो भी उसमें इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो थोड़ा क्या है, भारी हैं, हैवी हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जब उस लिक्विड में सेटल डाउन हो जाएंगे। कैसे? हम उस कंटेनर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम उस कंटेनर को नहीं छेड़ेंगे, हम उसको वैसे ही रहने देंगे। तो आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चों सेडिमेंटेशन। द सॉलिड विच सेटल्स एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंट। और जो सॉलिड है जो नीचे बैठ जाएगा यानी कि जो सेटल डाउन हो जाएगा उसको बोलेंगे सेडिमेंट। और जो क्लियर लिक्विड है उसको बोलेंगे सुपरनेटेंट लिक्विड। तो बच्चों, लिक्विड का नाम क्या बोला हमने? जो हमें साफ दिखाई दे रहा है, अब उसमें जो सॉलिड हैवी पार्टिकल है वो नीचे बैठ गए और वो जो लिक्विड है वो साफ दिखाई दे रहा है। अब पूरा साफ नहीं, वो तो सॉलिड लिक्विड सॉरी सॉलिड पार्टिकल्स तो नीचे ही रहेंगे सेटल डाउन हो रखे। अब जो लिक्विड है उससे क्या हो गए, वो थोड़ा छन के नीचे सेटल डाउन हो गए, तो उस लिक्विड को बोलेंगे सुपरनेटेंट लिक्विड, जो क्लियर दिख रहा है अब थोड़ा। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और बच्चों, जब हमें इस मिक्सचर को, इसमें जब सॉलिड हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे और हमें इसको दूसरे अगर कंटेनर में हम रखेंगे, तो हमें इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए आराम से पोर यानी कि डाल देना है, सेडिमेंट को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो फिर से उसके साथ मिक्स हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों डिकेंटेशन। दिस मेथड इज यूज फॉर ए हेटरोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इस मेथड को किस लिए यूज करते हैं? जब हेटरोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें कि सॉलिड और लिक्विड होता है, वेयर द सॉलिड कंपोनेंट, जहां की जो सॉलिड कंपोनेंट है वो घुले ना उस पानी में और वो थोड़ा भारी रहे। अब मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, आपको एग्जाम्पल दे रखा है किसका? सैंड एंड वाटर के मिक्सचर का। टेक सम सैंड एंड वाटर इन अ बीकर एंड स्टिर इट। आपने इस बीकर में सैंड और वाटर लेना है और उसको हिलाना डुलाना है थोड़ा, ठीक है? उसके बाद आपने उसको कुछ देर तक रहने देना है वैसी अपनी प्लेस में, तब नहीं आपको उसको डिस्टर्ब करना है। तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो गए और ये जो वाटर है, जो भी ऊपर जो हमें वाटर जितना दिख रहा है उसमें, उसको हम आराम से दूसरे कंटेनर में डाल देंगे। तो जब हमने उसको डाल दिया दूसरे कंटेनर में और जो सैंड है उसको नहीं डालेंगे, उसको तो उसी में रहने देंगे, जो वाटर है उसको डाल देंगे, जो साफ वाटर है उसको बोलेंगे बच्चों, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिकेंटेशन। और सेडिमेंटेशन में जहां पे जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कंटेनर में। तो ये क्या हो गया आपका? सेडिमेंटेशन। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये दोनों प्रोसेस समझ में आ गई होगी जिसमें हम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का सेपरेट करते हैं। लोडिंग द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग फाइन सॉलिड पार्टिकल्स। अब दूसरा जो टेक्निक है बच्चों सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को हटाने की, सेपरेट करने की, वो क्या है? अलग अलग करने की टेक्निक क्या है? लोडिंग। इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी जल्दी क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, ठीक है? तो हम एक केमिकल का यूज करते हैं। तो जब हम किसी केमिकल का यूज करते हैं उस लिक्विड के पार्टिकल जो सॉलिड होते हैं उनको जल्दी जल्दी सेटल डाउन करने के लिए, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे लोडिंग और कॉगुलेशन। देयर आर सम हेटरोजेनस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स कंटेनिंग वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स दैट डू नॉट सेटल डाउन इजली। कुछ हेटरोजेनस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर होते हैं जो जिसमें बहुत बारीक पार्टिकल होते हैं और जो आसानी से बच्चों सेटल डाउन नहीं होते हैं लिक्विड में, तो इसलिए हम ये वाली प्रोसेस
को यूज़ करेंगे वहाँ पे, किसको, लोडिंग को। और यहाँ पे हम एक केमिकल का यूज़ करेंगे जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने हैवी तो नहीं है, वो ऐसे घुल जाते हैं कि उनको हटाने में थोड़ा में टाइम लगता है, तो इसलिए हम केमिकल का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि पानी हम कहाँ से लाए, नदी का पानी, तालाब, झील का पानी, जिसमें बहुत बारीक क्ले पार्टिकल होते हैं, तो उनको जल्दी जल्दी नीचे सेटल डाउन करने के लिए हम क्या केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हैं बच्चों, एलम। उसका नाम है एलम। किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में हम उस मिक्सचर में उसको ऐड कर देते हैं। इट डिजॉल्व्स इन वाटर एंड फॉर्म क्लस्टर विद क्ले एंड डस्ट पार्टिकल्स मेकिंग देम हैवियर एंड इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। ये पानी में डिजॉल्व हो जाएगा और एक क्लस्टर फॉर्म करेगा। क्लस्टर का मतलब बंच टाइप का फॉर्म करेगा, किसका, क्ले का। और जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे उसकी वजह से और नीचे बैठ जाएंगे, और ये सेडिमेंटेशन की रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कैसे, क्योंकि वो उस केमिकल को हमने जब लिक्विड में डाल दिया है तो वो उसके रेट को बढ़ा देगा और वो जो क्ले पार्टिकल हैं वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे उस लिक्विड में। तो बच्चों लोडिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा जिसमें हम एक केमिकल यूज करके उन पार्टिकल्स को सेटल डाउन करते हैं। अब हमने क्या किया बच्चों, ये जो एक्टिविटी है ये यही वाला बता रही है लोडिंग प्रोसेस को, ठीक है। हमने एक ये जो बीकर में ये पानी ले रखा है, इसमें वाटर और सैंड है और दूसरे वाले में है मडी वाटर। अब वाटर और सैंड में तो आपको पता होगा कि जो सैंड है वो तो सेटल डाउन आराम से हो जाती है, बट जब ये जो मडी वाटर है यानी कि मिट्टी आती है ना जब पानी में, जैसे हमारे घरों में भी बरसात के मौसम में मानसून आता है जब, तो जो पानी है वो इतना साफ नहीं आता है। तो बच्चों इसमें क्या किया, इसमें एलम का एडिशन कर दिया। जब एलम का एडिशन कर दिया तो जो पार्टिकल है वो जल्दी सेटल डाउन हो गए और ये जो ऊपर है ये आपका क्या है, एक क्लीन वाटर है, तो आप अब इसको यूज कर देंगे। तो ये जो एक्टिविटी है क्या शो करती है कि जो एलम है वो जल्दी जल्दी हेल्प करता है हमारी उन क्ले पार्टिकल्स को सेटल डाउन करने के लिए। और जो टेप वाटर है, जो हमारे घरों में नल का पानी आता है, मैंने जैसे आपको बताया जब मानसून वगैरह या कभी हो जाता है तो ऐसे मौसम में क्या होता है, जो पानी है वो साफ नहीं आता है, तो इसलिए उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो तब हम इसको यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड बाय अलाउइंग इट टू पास थ्रू ए फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं यानी कि जो लिक्विड में नहीं घुल पाते हैं, तो उनको एक फिल्टर की थ्रू हम क्या करते हैं, उस लिक्विड को सेपरेटिंग करते हैं, लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट करते हैं। जैसे कि जो सॉलिड है वो उसमें स्टिक हो जाता है किसमें, जो हम स्ट्रेनर लेंगे, और जो लिक्विड है वो पास आउट हो जाता है उस फिल्टर से। तो बच्चों जैसे कि आप टी बनाते हुए देखते हो, आप टी लीव्स यूज़ करते हो, चाय की पत्ती यूज़ करते हो, और उसमें क्या होता है वो जो डिजॉल्व तो नहीं होती है बनते बनते, तो हम एक क्या करते हैं स्ट्रेनर यूज़ करते हैं और वो क्या कर देता है, लिक्विड को पास होने देता है और वो जो चाय की पत्ती है उसको क्या कर देता है, वहाँ पे फिल्टर कर देता है, वहीं पे रहने देता है। तो ये भी क्या हो गई बच्चों, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गई। दिस प्रोसेस इज यूज फॉर द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए हिट्रोजनस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इन विच सॉलिड आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड। और ये तब करते हैं हम यूज जब वो सॉलिड है वो इनसॉल्युबल नहीं होंगे किसमें, लिक्विड में, यानी कि वो घुलेंगे नहीं जब ठीक से, जैसे कि टी लीव्स बताई मैंने। द सब्सटेंस दैट कैन बी यूज एज फिल्टर, जो सब्सटेंस है हम फिल्टर की तरह जिन्हें यूज करते हैं वो क्या है, लेयर ऑफ सैंड की, चारकोल, कॉटन, ग्लास वूल, अनग्लेज्ड पोर्सेलिन, फिल्टर पेपर, डाइस ऑफ मसलिन क्लोथ, इनको हम यूज करते हैं बच्चों। एंड मसलिन क्लोथ तो हम किचन में भी यूज करते हैं जैसे चीज बनाते हुए। इवन द स्टेनर दैट वी यूज टू सेपरेट लिक्विड टी फ्रॉम टी लीव्स इज अ फिल्टर। और जो हम स्टेनर यूज करते हैं बच्चों, जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती छान देता है क्या, जो हम स्टेनर यूज करते हैं, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गई। और बच्चों इसके बाद क्या बता रहा है, ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड लेफ्ट हो जाएगा फिल्टर में उसको बोलेंगे रेजिड्यू, यानी कि जो टी लीव्स हो गई आपकी, एज एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ, जो टी लीव्स हो गई वो आपकी क्या हो गई, रेजिड्यू, क्योंकि वो स्टेनर में क्या हो गया, छन गया, तो टी लीव्स वहीं रह गए या लिक्विड पास हो गया, जो टी लीव्स है वो आपका क्या हो जाएगा, रेजिड्यू, और जो लिक्विड है वो उस फिल्टर से पास हो गया, जैसे कि जो टी है वो पास हो गई उससे, तो उसको बोलेंगे हम फिल्ट्रेट। मिक्सचर लाइक चॉक एंड वाटर, जैसे कि चॉक और वाटर का मिक्सचर हो गया, क्ले एंड वाटर, टी एंड टी लीव्स, सॉडस्ट एंड वाटर एटसेट्रा आर सेपरेटेड बाय दिस मेथड। और बच्चों अगर आपको एक्टिविटी करनी होगी तो आप कर सकते हैं इस फिल्टर पेपर को लेके, उसको आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ये आपको कोन शेप में फोल्ड करना है, और इसकी प्रोसेस है पहले एक गोल सर्किल का फिल्टर पेपर लिए और उसके बाद उसको फोल्ड करिए, उसके डबल फोल्ड हो जाएंगे जब, उसके बाद उसके ट्रिपल फोल्ड, और आप क्या बन जाएगा, इससे कोन बन जाएगा, एक तरफ से ओपन और अगर एक तरफ से उसका बारीक सा होल टाइप का होगा जिससे कि वो लिक्विड पास हो जाए, उसमें जो सॉलिड है वो पूरा ना जा पाए, वो वहाँ पे चिपके रहे, स्टिक हो जाए। तो बच्चों ये प्रोसेस यही बता रही है आपको फिल्ट्रेशन की, जहाँ पे आपने एक फनल यूज़ की है, यहाँ से आपने क्या डाल दिया, उस मिक्सचर को डाल दिया, और फनल विद फिल्टर पेपर, इसमें आपने फिल्टर पेपर भी लगा रखा है, या तो यहाँ पे जो कोन लगाई आपने, कोन बनाई आपने, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, और उस फिल्टर पेपर में उस स्टिक हो जाएगा जो रेजिड्यू, और आपका जो लिक्विड है यानी कि फिल्टर होके
आगे उस बीकर में आ जाएगा। यही आपको प्रोसेस यहाँ पे समझा रही है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट आइदर बाय एक्सपोजिंग इट टू एयर और बाय हीटिंग। इवेपोरेशन किसको बोलते हैं बच्चों, जिसमें कि आप उस लिक्विड को हीट करके उसका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, यानी कि भाप बन के उड़ जाएगा पानी, और जितना सॉलिड बच जाता है वो आपका क्या हो गया, एक एज ए रेजिड्यू हो गया, ठीक है। तो इसी को इवेपोरेशन बोलते हैं, जिसमें कि जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है, जितना भी सॉलिड उस पर बचा रहा, तो यानी कि ऐसे हम सॉलिड लिक्विड का सेपरेशन कर देते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए होमोजेनस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर लाइक साल्ट फ्रॉम सी वाटर। जैसे कि हम सी वाटर से सॉल्ट निकालते हैं, तो उसकी भी प्रोसेस बच्चों यही है, जो पानी और भाप बन के उड़ जाता है और बचा क्या रहता है, नमक। सी वाटर इज कलेक्टेड इन सैलो बेड, जो सी वाटर है उसको हम सैलो बेड से कलेक्ट करते हैं, थोड़ा इतना डीप भी नहीं होता है पर थोड़ा डीप से थोड़ा ऊपर, एंड एलो टू एवोपरेट इन द सन। उसके बाद उसको एवोपरेशन करेंगे, सन की हीट पड़, सन की रेस पड़ेगी, यानी कि हीट होगा वाटर और भाप बन के उड़ जाएगा। जब भी जो वाटर है वो पूरा एवोपरेट हो जाता है और साल्ट क्या बच जाती है। बाय दिस मेथड वी गेट ओनली द सॉलिड, और इस मेथड से हमें केवल सॉलिड मिलेगा, क्यों, क्योंकि लिक्विड तो वेपर की फॉर्म में उड़ गया। फॉर सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन वी यूजुअली एवोपरेट इट अंटिल वोल ऑफ द लिक्विड केप्स इन इट्स वेपर फॉर्म, और हमें तब तक ये प्रोसेस करनी है जब तक कि वो जो लिक्विड है वो पूरा ना उड़ जाए, यानी कि भाप बन के पूरा आसमान में ना चले जाए। क्रिस्टलाइजेशन, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच स्लो एवोपरेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर ऑफ द सॉलिड कंपोनेंट इज डन एट रूम टेम्परेचर। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में बच्चों क्या करते हैं, बहुत स्लोली एवोपरेट करवाते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है, जिसमें कि सॉलिड कंपोनेंट भी होते हैं, और किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। जैसे कि जो प्योर शुगर है वो सॉल्यूशन से ऑब्टेंड होगी, यानी कि प्योर शुगर तो पानी में होगी और धीरे धीरे उसका एवोपरेट किएंगे, पानी तो उड़ जाएगा और जो शुगर है हमें क्रिस्टल फॉर्म में मिलती है। एट फर्स्ट द शुगर सॉल्यूशन इज हीटेड टू एवोपरेट वाटर एट ए फास्टर स्पीड, और सबसे पहले जो शुगर सॉल्यूशन है उसको हीट किया जाएगा जल्दी, बहुत फास्टर स्पीड में, तेज स्पीड में। व्हेन वेरी लेस ऑफ वाटर इज लेफ्ट, जब बहुत कम पानी बच जाएगा तो सॉल्यूशन को कूल यानी कि ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, और कूलिंग के बाद जो शुगर डिसॉल्व होती है वो किस में हो जाती है, सेपरेटिंग, अलग होना, क्रिस्टल फॉर्म में। नोट, क्रिस्टल्स आर द सॉलिड पार्टिकल विद डेफिनेट शेप एंड साइज, और बच्चों जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या होता है, उनका डेफिनेट शेप और साइज होता है, आकार भी होता है और उनका शेप साइज दोनों एक जैसा होता है। दे आर लस्टरस टू, उनमें चमक भी होती है, जैसे कि आप थोड़ा चीनी को भी देखोगे तो उसमें भी क्या है, थोड़ा साइन होती है। सुगर क्रिस्टल्स आर क्यूबिकल, सुगर क्रिस्टल किस फॉर्म में होते हैं, क्यूब फॉर्म में होते हैं, और वो क्या करते हैं, साइन भी करते हैं, चमकते भी हैं। अब बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ी हमने, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज द मेथड ऑफ गेटिंग अ प्योर लिक्विड फ्रॉम ए सॉल्यूशन बाय इवेपोरेटिंग एंड देन कंडेंसिंग द वेपर। जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसमें एक प्योर लिक्विड मिलता है हमें सॉल्यूशन से, और वो भी क्या, उस किसके बाद, इवेपोरेट होने के बाद, वो जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, एक प्योर सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम, और जो वेपर उड़ा यानी कि जो वेपर बन रहा है उस पानी को इवेपोरेशन, यानी कि उस पानी को हम बॉइल कर रहे हैं, उससे जो भाप बन रही है उसको हम कंडेंस करेंगे यानी कि ठंडा होने देंगे, इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलते हैं। और बच्चों जैसे कि आपको इस प्रोसेस में डिस्टिलेशन, इस फिगर में आपको ये डिस्टिलेशन प्रोसेस समझाई है, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं तब समझते हैं। व्हेन द सॉल्यूशन इज हीटेड द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इवेपोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जब सॉल्यूशन को हीट किया जाता है और जो लिक्विड कंपोनेंट होता है उस मिक्सचर का वो इवेपोरेट हो जाता है, किस फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में। दीज वेपर्स आर देन कंडेंस बैक इनटू लिक्विड फॉर्म, और इसी वेपर को फिर से ठंडा करके हम लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जो बहुत प्योर होता है बच्चों, और उसको बोलेंगे हम डिस्टिलेट, यानी कि जो हमने सॉल्यूशन हीट किया उसके बाद वो इवोपरेट हुआ, उसके बाद जो वेपर निकली उससे, उसको हमने कंडेंस किया यानी कि ठंडा किया, वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और ये हमें बहुत प्योर लिक्विड मिलता है, इसको बोलेंगे बच्चों डिस्टिलेट। टैप वाटर विच इज अ मिक्सचर कंटेनिंग डिजॉल्व साल्ट इज प्योरिफाइड बाय डिस्टिलेशन। जैसे कि नल का पानी जो होता है उसमें भी क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, मिक्सचर होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट, उसको प्योरिफाइड हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से कर सकते हैं। द प्योर वाटर सो ऑब्टेंड इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। जो प्योर वाटर ऑब्टेंड होगा ना वो वेपर का, उसको बोलेंगे हम डिस्टिल्ड वाटर। इट इज यूज बाय डॉक्टर्स फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन, और जो डॉक्टर यूज करते हैं मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए, केमिस्ट सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने के लिए, और जो इंडस्ट्री वो अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग काम के लिए यूज करती है। इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है कि जो कंपोनेंट्स होंगे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के वो क्या होते हैं, ऑब्टेन हो जाते हैं, यानी कि उसमें अगर जो सॉलिड का कंपोनेंट होगा, जो लिक्विड का कंपोनेंट होगा, दोनों मिलते हैं इसमें। तो बच्चों इस प्रोसेस में आपको यही समझाया है, यहाँ पे क्या ये थर्मामीटर लगा है, ये क्या है, साल्ट सॉल्यूशन है, नीचे से क्या है, हीट दी जा रही है इसको, और उसके बाद
ये जो लंबी सी ट्यूब है, तो इसमें क्या लगा दिया गया, सिंक। यहाँ से जो पानी है वो तो हम इसको जो भी वेपर की फॉर्म में इसको ठंडा करने के लिए, यहाँ बीकर में जो भी वाटर है वो गैदर हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ ए गैस लिक्विड मिक्सचर, अब हम पढ़ेंगे गैस लिक्विड मिक्सचर का सेपरेशन। अभी तो हमने पढ़ा सॉलिड 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 लिक्विड मिक्सचर की सेपरेशन टेक्निक, अब हम पढ़ेंगे गैस लिक्विड मिक्सचर को कैसे अलग किया जाता है, जो मिक्सचर किस फॉर्म में होगा, लिक्विड और गैस फॉर्म में। ए मिक्सचर ऑफ गैस इन लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाई हीटिंग, जो गैस का मिक्सचर है लिक्विड में जो गैस है उसको कैसे अलग करेंगे, हीट करके। डिजॉल्व गैस एस्केप्स फ्रॉम द लिक्विड ऑन हीटिंग, जो गैस उसमें घुली रहेगी लिक्विड में वो हीट करने पे उड़ जाएगी। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर कंटेन एयर, अब जैसे बच्चों आप बॉयल पानी पीते हो तो आपको बॉयल पानी का टेस्ट और जो नॉर्मल पानी हम पीते हैं उन दोनों का टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम पानी को बॉयल करेंगे तो उसमें एयर भी होती है, वो एयर क्या हो जाती है बॉयल करने पे उड़ जाती है, और जो पानी रहेगा वो क्या होता है, टेस्टलेस होता है। तो बच्चों है ना ये फैक्ट, अगर आपको आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो बॉयल पानी है वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं आता, वो पीना पड़ता है, क्यों, क्योंकि कभी पानी बहुत गंदा आता है तो इसलिए हमें वो बॉयल करना करके रखना पड़ता है। तो इसलिए जो बॉयल वाटर है उसमें एयर क्या हो जाती है, उड़ जाती है वेपर की फॉर्म में, ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है। जो नॉर्मल वाटर है उसको हम जब बॉयल नहीं करेंगे तो उसका टेस्ट एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बात समझाई गई है। तो ऐसे हम गैस लिक्विड मिक्सचर का सेपरेट करते हैं बच्चों। तो अब हमने इस चैप्टर में जितने भी टाइप के मेथड पढ़े वो हम एक बार रिवाइज मारते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सॉलिड सॉलिड यानी कि हिट्रोजनस। हिट्रोजनस में ऐसे ही होता है सॉलिड सॉलिड, जैसे कि हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग हम कब यूज करते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, चावल को छानते हैं, चावल में से स्टोन निकालते हैं, तो जो हम हैंड से पिक कर सकते हैं वो हम यूज करते हैं यहां पे मेथड में। विनोइंग में, विनोइंग में क्या करते हैं हम, एक थोड़ा हाइट से क्या करते हैं, वो जो भी सॉलिड होगा उसको क्या करते हैं, नीचे गिराते हैं। उसके बाद जो भी उसमें हल्के पार्टिकल्स होंगे एक साइड इकट्ठा होने लग जाते हैं, और ये किसकी हेल्प से करते हैं, विंड की हेल्प से। सीविंग व्हेन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेस, और सीविंग हम कब करते हैं, जब वो कंपोनेंट उस मिक्सचर के अलग अलग साइज के हों, जैसे कि राइस पाउडर, स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन में हम क्या यूज करते हैं कि जो मेटल अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट में तो वो वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, बाकी वहाँ रह जाएगा। सब्लिमेशन व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट कैन सब्लाइम, जब हम कोई भी कंपोनेंट क्या करेंगे, सब्लाइम करेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, इसमें हमने क्या किया था, जो सॉलिड है उसको, जो सॉलिड है वो सॉल्युबल है लिक्विड में, उसको हटाने के लिए, जैसे कि सैंड और साल्ट। सॉलिड लिक्विड हिट्रोजनस में हमने क्या पढ़ा था, फिर सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन भी पढ़ा था, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, तो ये प्रोसेस हमने पढ़ ली थी और उनके एग्जांपल से आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सॉलिड सॉलिड होमोजेनस मिक्सचर, जैसे कि इवेपोरेशन, ठीक है। व्हेन ए सॉलिड सॉल्युबल इन ए लिक्विड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, जैसे कि हम साल्ट बनाते हैं सी वाटर से। क्रिस्टलाइजेशन, हमने ये सुगर का एग्जाम्पल जो बताया था, और डिस्टिलेशन, जैसे कि हम प्योर वाटर ऑब्टेन करेंगे। तो बच्चों आई होप कि आज के जो एक हमने केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा, प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरे वीडियोस ऐसे देखते रहिए रहा कीजिए, और मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।